गुड आफ्टरनून जी। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं 12:30 और बाबा बड़ो टेंपल में दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं वापिस रानीताल, और रानीताल से लेफ्ट टर्न लेके हम जाएंगे मशहूर रॉक टेंपल, जो बहुत ही फेमस टेंपल है, एक तरह से आप कह सकते हैं। उसको इतिहास से जोड़कर भी देखा जाता है और साथ ही साथ महाभारत काल से जोड़कर भी उसको देखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पांडव जो थे अज्ञातवास के समय यहाँ कुछ टाइम जो था उन्होंने बिताया था। और साथ ही ये मंदिर जो है, ये ऐसा कहा जाता है कि 8th century का बना हुआ मंदिर है और एक ही पत्थर को काट के इस मंदिर को बनाया गया है। तो बहुत प्राचीन मंदिर है, वहीं हम जाएंगे और वहीं की हिस्ट्री आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आपके साथ मसरूर रॉक का टेम्पल में। तो रानीताल से जब हम कांगड़ा की तरफ चलते हैं तो लगभग 300 मीटर की दूरी पर आता है लेफ्ट टर्न, और उसी लेफ्ट टर्न को लेकर हमने जाना है मसरूर रॉक का टेंपल की तरफ। जो अभी आप लेफ्ट टर्न देख रहे हैं, यही वाला लेफ्ट टर्न हमने लेना है। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है मसरूर रॉक का टेंपल का। और अगर आप कांगड़ा से मसरूर रॉक का टेंपल की तरफ आ रहे हैं तो लगभग 35-38 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। और अभी रास्ते में हमें दिखा था एक सस्पेंशन ब्रिज, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुके थे। ये जो ब्रिज बेसिकली बनाए जाते थे, तो इनको पिलर्स की सपोर्ट नहीं दी जाती थी। पुराने टाइम में इसी टाइप के ब्रिज जो थे वो बनाए जाते थे। तो एक वीडियो मैंने शेयर किया था मंडी डिस्ट्रिक्ट के विक्टोरिया ब्रिज का, जो ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया ब्रिज है, काफ़ी पुराना है। और मंडी का जो विक्टोरिया ब्रिज है वो इंस्पायर है लंदन के विक्टोरिया ब्रिज से। तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, और उसके बनाने के जो पीछे की स्टोरी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। और यहाँ से अभी हम ब्रिज के ऊपर चलेंगे। तो ये काफ़ी पुराना ब्रिज नहीं है, लेकिन डैमेज हो चुका है, तो इसे बंद किया जा चुका है अभी। और साथ में इसके एक नया ब्रिज बना दिया गया है यहाँ पे। तो ये ब्रिज जो है, ये बेसिकली ब्यास रिवर पर बनाया गया ब्रिज है, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट रुके हुए थे, नीचे जा रहे थे, पानी का आनंद ले रहे थे। लेकिन ध्यान रखिए, आगे बरसात आ रही है तो पानी का फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मसरूर रॉक का टेंपल, और मेरे पीछे आप मंदिर का एक हिस्सा देख पा रहे हैं जिसमें कितनी बारीकी से काम किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा मंदिर है, ये एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट ये मंदिर है। और यहाँ पर बेसिकली ये जो पूरा मंदिर, पूरा ये मंदिर जो है या एरिया जो है, ये 15 मंदिरों का ग्रुप कहा जाता है। और ये 15 मंदिरों में जो मेन यहाँ मंदिर है उसको बोला जाता है ठाकुर द्वारा, जहाँ पर राम जो परिवार है उसको बिठाया गया है, जिसमें आप लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी के बारे में कंप्लीट आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए करते हैं आज का सफ़र हमारा शुरू। तो अभी हैं हम मंदिर के पीछे वाले हिस्से में, और मंदिर का पीछे से भी अगर व्यू आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आप गाड़ी खड़ी करके मंदिर में एंटर हो सकते हैं। तो ये जो मंदिर है, बेसिकली कितना ये पुराना है एक्चुअल में ये कोई नहीं जानता है। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन दो कहानियाँ ऐसी हैं जिनको ज़्यादातर लोग मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1875 में पहली बार इस मंदिर के बारे में जानकारी पता चली थी, और उसके बाद ही इसके सर्वे होने शुरू हुए थे, और उसके बाद से ही इसको संरक्षित करना शुरू किया गया। और ये जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर इस मंदिर को रखा गया है, तभी तो इसकी देखरेख जो है इतने अच्छे से अभी की जा रही है। और ये मंदिर आप अगर देखेंगे तो एक कंप्लीट मंदिर नहीं है, अधूरा मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे उकेरे गए हैं पत्थरों पर, लेकिन कंप्लीट उनको नहीं किया गया है। तो इसकी स्टोरीज जो मैं आप बात कर रही थी कि दो स्टोरी इसकी बहुत ज़्यादा फेमस है जिसके बारे में लोग मानते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरवाजे बनाए गए हैं, लेकिन उनको कंप्लीट नहीं किया गया है। और पत्थर पर जो नक्काशी इस मंदिर में की गई है, ये मानी जाती है जैसे दक्षिण भारतीय शैली में की गई हो, और बहुत बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है। और एक बहुत ही मुश्किल शैली इसको जो है माना जाता है, जो एक ही पत्थर को काट कर की जाती है। तो लगभग 15 मंदिरों का समूह है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये 15 मंदिरों का समूह है, और ये 15 मंदिर जो हैं एक ही पत्थर को काट के बनाए गए हैं। इस मंदिर को हिमाचल का एलोरा भी कहा जाता है। तो इस मंदिर की बेसिकली जो पहली स्टोरी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको टिकट लेके अंदर जाना पड़ता है, छोटा सा अमाउंट का है टिकट का, 20-30 रुपये का। तो टिकट लेके, टिकट यहाँ पर रखने का एक लॉजिक ये भी था जब हमने यहाँ पर बात की गई, क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे तो यहाँ पर टिकट सिस्टम नहीं था,
तो हमने गार्ड से जब बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो थे लोग इस जो प्लेस है इसकी ज़रा भी केयर नहीं कर रहे थे, गंदगी फैला के जाते थे और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल लोग थे उनके पशु अंदर जो थे काफ़ी नुकसान कर रहे थे इस मंदिर को। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर टिकट सिस्टम रखा है तो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफाई रहती है और अंदर पशु वगैरह नहीं जाने से जो है डैमेज नहीं होती है कोई भी चीज़। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे यहाँ पर कि टिकट रखने का क्या मतलब है, तो टिकट यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि लोग जो है इम्पॉर्टेंस समझें ऐसे प्लेसेस की, क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं तो अपने हमारे बच्चे जो हैं लेस कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक के लिए कितने ही पैसे खर्च कर देते हैं, हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि इतना अनहेल्दी ये खा रहे हैं, और जब इतनी 20-30 रुपये के टिकट की बात आती है तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, अगर आप ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने जा रहे हैं तो 20-30 रुपये का अमाउंट कुछ भी नहीं है आपके लिए, तो एंजॉय करें ऐसे प्लेसेस को। अभी जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर दरवाज़ा बनाया गया है, खिड़की या दरवाज़ा कुछ भी यहाँ पर बनाया गया है लेकिन ये कंप्लीट नहीं किया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव यहाँ आए थे उन्होंने इस मंदिर को बनाया था, लेकिन जब उन कौरवों को उनके बारे में पता चल गया कि वो यहाँ पर रह रहे हैं तो पांडव इस मंदिर को अधूरा ही छोड़कर आगे निकल गए थे। और जो सरोवर अभी आप देख रहे थे वो बनाया गया था द्रौपदी के लिए पांडवों के द्वारा। और कभी आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो सरोवर में इस मंदिर की शेडो जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, उसको ज़रूर आप देखें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियों की कटिंग की गई है लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो दूसरी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट मैंने आपको पांडवों वाली बता दी जो सबसे ज़्यादा जो है मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि पांडव काल में ही ये जो मंदिर है इनका निर्माण किया गया था, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके अनुसार शायद ये मंदिर 8th सेंचुरी का बना हुआ है, 8वीं शताब्दी का बना हुआ है लेकिन शायद उन्होंने कहा है। और ऐसा भी माना जाता है कि उत्तर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी का काम हुआ है। बेसिकली ऐसे जो मंदिर मिलते हैं ये दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं लेकिन उत्तर भारत में ये इकलौता ऐसा मंदिर माना जाता है जहाँ पर दक्षिण भारतीय शैली से काम किया गया है। और जो एलोरा की गुफाएं हैं उनसे भी पुराना, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनसे भी पुराना इसको कहा गया है, इसीलिए इसको हिमाचल प्रदेश के एलोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ही पहाड़ को काट के जब 15 मंदिरों का समूह ये बनाया गया है, इसमें खूबसूरत मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे, सीढ़ियां आपको देखने को मिलेंगी, स्टेयर्स और गर्भगिरी यहाँ पर बनाया गया है जिसको बेसिकली लोग गुरुद्वारा कहते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो गुरुद्वारा कहते हैं। और जो गर्भगृह है वहाँ पर भगवान श्री राम के साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति विराजमान है। तो 1905 में जब भूकंप आया था उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, इसके साथ साथ ही कांगड़ा का काफ़ी हिस्सा डैमेज हुआ था उस भूकंप में, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, इवन कांगड़ा फोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था जो 5 मंजिला हुआ करता था कभी, लेकिन आज उसका कुछ ही हिस्सा हमें देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। अभी आप देख रहे हैं कि ये पिल्लर जो हैं ये टूट चुके थे उस टाइम भूकंप में, लेकिन उनको यहाँ आज भी जो है संजो कर रखा गया है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं जो ये जाला जैसा लगाया गया है, यहीं से स्टेयर्स थी इसके छत पर जाने के लिए। पिछली बार जब हम आए थे तो ये ओपन थी, हम छत पर जाके आए थे लेकिन कोविड में इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि ये बहुत ही टाइट रास्ता है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, तो उस कारण इसको बंद किया गया था लेकिन अब उसको नहीं खोला गया है। और ये जो आप पिल्लर अभी देख रहे हैं, इस टाइप के 4 पिल्लर यहाँ पर हुआ करते थे जिन पे इस मंदिर की छत टिकी होती थी, तो ये पिल्लर भी डैमेज हो चुके हैं लेकिन आज भी इनको वैसे ही रखा गया है। तो बहुत ही खूबसूरती से इस मंदिर में काम हुआ है। और ये जो मंदिर है ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर भी रखा गया है क्योंकि 1905 के बाद जब ये भूकंप में डैमेज हुआ था तो ज़्यादातर इसकी जो देख रेख है नहीं की गई, लेकिन 1913 में एक अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे H.L. Stallworth, उन्होंने जो था आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया था। और 1915 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हरोल्ड हरग्रीव्स द्वारा इंडिपेंडेंटली इसका सर्वेक्षण किया गया था और उसके बाद से ही इस मंदिर के जो संरक्षण का कार्य जो है वो शुरू किया गया है अच्छे से। और इस मंदिर को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसकी दीवारें जो नीचे नीचे से आप देख रहे हैं इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा की गई है क्योंकि ये डैमेज हुई थी जब भूकंप आया था कांगड़ा में। और ऊपर ऊपर से अगर मंदिर को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नक्काशी आपको नज़र आएगी। और बहुत ज़्यादा इस मंदिर की हाइट है और इस हाइट को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे किस तरह से ये नक्काशी की गई होगी, कितनी हाइट इस मंदिर को दी गई है
और इसकी छत पर भी नक्काशी की गई है। तो इस तरह से अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस को देखते हैं तब आप उसकी वैल्यू लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो खंडहर ही नज़र आती हैं, लेकिन ये खंडहर बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे देश की धरोहर हैं जो हमें संजो कर रखनी है ताकि आने वाले जितने भी हमारी पीढ़ियां हैं वो भी इन चीज़ों को देख सकें, अपने इतिहास को देख सकें। तो अभी हम आ चुके हैं इस मंदिर, जो मेन ग्रुप है मंदिरों का, उसके मेन मंदिर में जिसको ठाकुर द्वारा कहा जाता है, और आप दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री राम जी के, माता सीता जी के और लक्ष्मण जी के। और अभी आपको मैं इस मंदिर की छत दिखा देती हूँ जिसपे बहुत ही बारीकी से काम किया है। यहाँ फ्लावर्स आप देख सकते हैं जो ऊपर पत्थर को काट काट कर बनाए गए हैं, और कितना खूबसूरत ये बनाया गया है। और इस मंदिर की हाइट मैं बता चुकी, बहुत ज़्यादा हाइट है इस रूम की जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, लगभग अगर आइडिया लगाया जाए तो 20 फीट के आसपास की हाइट यहाँ पर होगी। तो चलते चलते एक बार फिर से भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे मंदिर का आगे वाला हिस्सा। और ये दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं लकड़ी का है, पुराना है, और किस तरह की इस पर नक्काशी की गई है वो आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुली इस मंदिर को बनाया गया है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर नक्काशी की गई है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हैं टूरिस्ट आते हैं इस जगह को देखने के लिए। और ये सरोवर जो इसके आगे है, यहाँ पर जब ये डैमेज हुआ है उस टाइम के कुछ पुराने जो हैं पत्थर रखे गए हैं जो यहाँ से इस मंदिर से टूट के अलग हो गए थे, तो इनको भी संजो के रखा गया है। इस तरह यहाँ पर आप ध्यान से इस मंदिर को देखेंगे तो आपको हर हिस्सा आपको पता चलेगा कौन सा हिस्सा कहाँ से अलग हुआ है, क्योंकि भूकंप में थोड़ा थोड़ा ये मंदिर नीचे गिर गया है, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। एक टाइम हुआ करता था जब इस मंदिर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इस मंदिर के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग जान रहे हैं और यहाँ आ भी रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो स्टेयर्स हैं ये ऊपर मंदिर के छत के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये वाला पोर्शन भी मंदिर से अलग होके नीचे आ चुका है, तो नीचे पहुंच गया है। इस तरह से कटिंग आपको हर जगह दिखेगी, स्टेयर्स भी दिखेगी। ये वाला आगे वाला हिस्सा जो है डैमेज हिस्सा है, जो ऊपर से नीचे गिरा हुआ दिखेगा आपको, और ये भी एक मंदिर का हिस्सा है जो अभी आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता रही थी कि क्यों अब लोग इस मंदिर के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी आदर्श स्मारक योजना, उसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय और विश्व धरोहरों को पर्यटन के लिहाज से संवारने का काम किया जाना है। तो उसी योजना के अंतर्गत जो है इस मंदिर को भी लिया गया है, तो इस मंदिर को भी आदर्श स्मारक योजना के अंतर्गत लिया गया है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग इस मंदिर के बारे में जान रहे हैं और यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है रिपेयर किया गया है, बट यहाँ जो मूर्तियाँ हैं, बेसिकली जो मूर्तियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी भगवान शिव से रिलेटेड आपको यहाँ पर मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। और ये जो मंदिर के आगे सरोवर बनाया गया है ये तो बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगता है। अगर सामने से आप मंदिर की तरफ से देखेंगे तो आपको पेड़ों की शैडो इसमें दिखेगी, और अगर आप पेड़ों की तरफ से जाके देखेंगे तो मंदिर के कुछ हिस्से की शैडो जो है आपको इस सरोवर में दिखेगी, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और कभी आप कांगड़ा घूमने आते हैं तो इस प्लेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी वीडियो किसी भी प्लेस की हम बना रहे हैं तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें डाली जाए, ताकि किसी और को कहीं और से सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिले, और इसके साथ साथ कंप्लीट हिमाचल की इन्फॉर्मेशन भी मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिमाचल में आएँ और हिमाचल के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस के बारे में जान सकें, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, या तो जानते हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है। लोग घूम के आ जाते हैं लेकिन उस जगह के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं होती है। तो ये मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक दरवाज़ा बनाया गया है, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है, इसको भी अधूरा ही छोड़ा गया है, और ये वाला हिस्सा भी काफ़ी डैमेज हुआ है भूकंप में। यहाँ आगे आप देख सकते हैं ये ऊपर भी कुछ खिड़की या दरवाज़ा जैसा बनाया गया है, लेकिन इसे भी कंप्लीट नहीं किया गया है। तो इस तरह से काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है, और ऊपर से आप जाके देखेंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू इस मंदिर का आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना कांगड़ा का ट्रिप अगर बना रहे हैं तो मसरूर रॉक का टेम्पल को ज़रूर अपनी लिस्ट में रखिएगा, ताकि इस ब्यूटीफुल प्लेस को भी आप अपनी मेमोरीज़ में लेके जा सकें। और अभी आप कंप्लीट व्यू देख रहे हैं इस मंदिर का,
जो बहुत ही खूबसूरत है। और सरोवर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मछलियाँ भी हैं जिनको लोग खाना भी खिलाते हैं, तो उनका भी एक व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर गोल्डन फिश भी आपको देखने को मिलेंगी और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं और एक पीसफुल एहसास आपको यहाँ पर होगा। थोड़ी देर अगर आप यहाँ पानी के किनारे बैठ के मछलियों को खाना खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आपको यहाँ पर आएगी। तो बहुत ही खूबसूरत ये व्यू था। जैसे ही खाना नीचे डाला जाता है आप देखेंगे बहुत सारी मछलियाँ ऊपर आती हैं और ये पानी के छींटे आपके ऊपर गिरते हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं ये वाला पोर्शन, क्योंकि वो ज़्यादातर अंदर घूम के थक जाते हैं, फिर यहाँ बैठ के काफ़ी ज़्यादा इंजॉय बच्चों द्वारा किया जाता है। और काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की इसको ज़रूरत है, क्योंकि मेनली जो है हिमाचल के लोग ही इस मंदिर के बारे में ज़्यादा जानते हैं, दूर दूर के लोगों को अभी इसके बारे में नहीं पता है। तो ये है मंदिर से ऊपर वाली साइड से लिया गया व्यू, जो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर ये मंदिर है। ये जो छत आप देख रहे हैं, यहाँ वो सीढ़ियाँ आती हैं जो नीचे मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन उनको अब बंद कर दिया गया है। तो आई होप आपने वीडियो ज़रूर इंजॉय किया होगा। तो ये था मशहूर रॉक कट टेम्पल का आज का हमारा सफ़र। ये मंदिर पड़ता है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है, ऐसा किताबों में लिखा गया है कि 8th century का ये मंदिर है। और ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास पे थे तब वो यहाँ पर ठहरे थे और उनके द्वारा ही इस मंदिर को बनाया गया था। तो कुछ इस तरह की कहानी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ जो हैं नॉलेजफुल हिमाचल के बारे में आपको मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।